Hello, my beautiful friends. How have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों. अच्छा दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. इनमें से बहुत से वर्ड्स की मीनिंग अच्छी होती है, बहुत से वर्ड्स की मीनिंग ख़राब होती है. कुछ वर्ड्स का तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो यूज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं. अच्छा, इन वर्ड्स की अगर हमको ओरिजिन का भी पता चल जाए, यानी जिन वर्ड्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये वर्ड्स कब इंग्लिश में आए, कौन सी सेंचुरी में इंग्लिश में आए, 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, उस समय इनकी क्या मीनिंग हुआ करती थी, और आज की डेट में जो मीनिंग है वो कैसे बनी, अगर इन बातों का पता चल जाए तो हमारी कम्युनिकेशन में बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा. हम बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं. आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स की ओरिजिन बताने वाला हूँ. बहुत ही कमाल की क्लास है दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग भी है. आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए. आज जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स. अच्छा, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट भी है. उस प्लेलिस्ट में ऐसे वीडियोस हैं जिनमें मैंने दूसरे वर्ड्स की ओरिजिन भी बताई है. तो अगर आप दूसरे वर्ड्स की भी ओरिजिन सीखना चाहते हो तो आप मेरी वो प्लेलिस्ट जिसका नाम ही यही है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, उसमें जाके वीडियोस देख सकते हैं. आज का जो पहला वर्ड है दोस्तों वो है क्यूट. अब क्यूट वर्ड हम कितना इस्तेमाल करते हैं. ओ ही इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ वेरी क्यूट, ओ द पपी इज़ वेरी क्यूट, द चाइल्ड इज़ सो क्यूट, बोलते हैं ना. देखिए मैं आपको बताता हूँ ये वर्ड कैसा है, और आपको बड़ी हैरानी होगी और बहुत इंटरेस्टिंग है फैक्ट्स. स्टार्टेड आउट, दिस वर्ड स्टार्टेड आउट इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में ये वर्ड शुरू हुआ. कैसे? एज अ शॉर्टन्ड, छोटा फॉर्म, छोटा रूप ऑफ अक्यूट. अक्यूट जो वर्ड है उसका शॉर्ट फॉर्म होता था क्यूट. कब? 18th सेंचुरी में. उस समय इसकी मीनिंग क्या होती थी? ओरिजिनल मीनिंग वॉज क्लेवर और श्रूड. क्लेवर का मीनिंग होता है चालाक, श्रूड का भी वही मीनिंग है. चालाक बोलते हैं, ही इज़ अ श्रूड बिजनेसमैन, ही इज़ अ श्रूड पॉलिटिशियन. तो 18th सेंचुरी में अक्यूट वर्ड का छोटा रूप, शॉर्ट फॉर्म होता था क्यूट, और उसकी मीनिंग होती थी क्लेवर या श्रूड. और अब जो मीनिंग है, द मीनिंग अट्रैक्टिव और प्रिटी. क्यूट का मीनिंग होता है आकर्षक या सुंदर. ये जो मीनिंग, ये कहाँ से बनी और कब स्टार्ट हुई, देखिए. डेट्स फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब कि हाफ के बाद एंड तक आते आते, तो 19वीं शताब्दी के लेट 19th सेंचुरी में एज एन अमेरिकन वर्ड यूज क्यूटसी. अमेरिकन इंग्लिश में एक वर्ड था क्यूटसी. उस जमाने में क्यूटसी की मीनिंग क्या होती थी? मीनिंग क्यूट इन अ सिकली और सेंटिमेंटल वे. सिकली और सेंटिमेंटल का सेम मीनिंग है. वैसे तो सिकली वर्ड की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, लेकिन अभी हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसमें सिकली और सेंटिमेंटल की सेम मीनिंग होती है. तो कि कोई बहुत सेंटिमेंटल तरीके से बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे ये मीनिंग हुआ करता था. वहीं से क्यूटसी से ही क्यूट वर्ड का इस्तेमाल होना शुरू हुआ. तो दोस्तों ये क्यूट वर्ड की कहानी है कि इस तरीके से क्यूट वर्ड पहले 18th सेंचुरी में अक्यूट वर्ड का शॉर्ट फॉर्म था, इसकी मीनिंग होती थी क्लेवर, श्रूड, और बाद में 19th सेंचुरी में क्यूटसी वर्ड जिसका मीनिंग होता था बहुत सुंदर या खूबसूरत, उससे क्यूट वर्ड बना, और आज हम उसको ऐसे क्यूट वर्ड के रूप में यूज़ कर रहे हैं. दूसरा वर्ड है दोस्तों डॉल. डॉल का मीनिंग गुड़िया, हम सभी जानते हैं. छोटी लड़कियाँ डॉल से खेलती है, बार्बी डॉल, और क्या क्या, एक गाना भी था बार्बी डॉल, क्या आई एम अ बार्बी डॉल, बहुत काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था वो गाना. डॉल वर्ड की हिस्ट्री बताता हूँ आपको, कितनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. देखिए, डॉल वर्ड स्टार्टेड लाइफ एज अ पेट फॉर्म ऑफ द नेम डोरोथी. अंग्रेज लड़कियों का नाम डोरोथी होता है. अच्छा, अंग्रेज़ों में नाम को छोटा करके बोलने की प्रथा है. अब इंडिया में भी बोलते हैं, जैसे मुकेश को मुकी बोलते हैं, तो अंग्रेज़ों में विलियम जैसे नाम होता है उसको बिल बोलते हैं, जॉनाथन को जॉन बोलते हैं. अगर किसी का नाम एलिजाबेथ है, कोई लड़की एलिजाबेथ, तो उसको लीजा या बेथ भी बुलाते हैं. तो जो डोरोथी नाम की लड़कियां होती थी उनको डॉल करके बुलाते थे छोटे नाम से. ये तो एक मीनिंग थी, बट उस जमाने में डॉल वर्ड की मीनिंग क्या होती थी ओरिजिनली, देखिए. ओरिजिनली द मीनिंग वॉज अ मैंस पेट और लवर. यानी एक आदमी का अगर कोई पालतू पशु था, पेट था, या उसकी कोई प्रेमिका थी, लवर, उसको डॉल करके बुलाते थे. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ करंट मीनिंग, तो वो पहले के ज़माने की बात थी. उस पर अब जो मीनिंग है इसकी, वो मीनिंग जो है करंट मीनिंग, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल मॉडल ऑफ अ ह्यूमन फिगर, छोटे इंसानों का ही फिगर होता है डॉल के रूप में. तो ये कहाँ से आया? डेट्स फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, लेट 17th सेंचुरी में ये मीनिंग यूज़ होना शुरू हुआ डॉल का. अब वरना उसके पहले मीनिंग होता था इसका कि डोरोथी नाम का पेट वर्जन, या किसी आदमी का पेट एनिमल, या उसका लवर, ये मीनिंग था. बट लेट 17th सेंचुरी में डॉल वर्ड का, लेकिन उसके पहले
जब ये डॉल वर्ड का मीनिंग गुड़िया बना, उसके पहले जब इसका मीनिंग गुड़िया नहीं था तो खिलौनों को लोग क्या बोलते थे, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। बिफोर दिस टाइम पीपल यूज्ड पपेट, ये वर्ड है पपेट और पपेट टू रिफर टू द चाइल्ड्स टॉय, बच्चों का जो खिलौना, जो खिलौने होते थे बच्चों के, उनको लोग पपेट या पपेट बोलते थे। अच्छा, पपेट का मीनिंग अभी होता है कठपुतली, पपेट शो, कठपुतली का जो शो होता है अब देखते हैं। लेकिन उस जमाने में जब डॉल का मीनिंग गुड़िया नहीं होता था, तब लोग खिलौनों के लिए पपेट या पपेट वर्ड का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी हुई, और आपको इन वर्ड्स के ओरिजिन के को जानने के बाद आपको जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आप सारी बातें आपके सामने आएंगी कि अच्छा ये वर्ड तो ऐसे था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ देता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार आपको फिर से कमाल के किसी वर्ड की ओरिजिन को बताने की कोशिश करूँगा, और ये मेरी प्लेलिस्ट है ही ओरिजिन वर्ड्स, इसमें आप जाके वीडियोस भी देख सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपको परेशान कर रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड योर काइंडनेस। थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।